ये है द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट और अंदर चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। शुभम जी नीचे पहुंच चुके हैं, चलिए चलते हैं। So guys, अभी हम लोग आए हुए हैं यार द सेंट्रल जेल करके एक रेस्टोरेंट खुला है भाई यहाँ पर खलीफाबाद चौक के अंदर में, और देख सकते हैं पूरा जेल का सिनेरियो है। और आज भैया लोग भी हैं यहाँ पर फिलहाल जेल के उस तरह। यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से जो है बिल्डअप किया गया है और काफी अच्छा सेटअप यहाँ पर मुझे लगा द सेंट्रल जेल का। और अभी के टाइम में ना यार मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है और क्राउड भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, और एसी वगैरह सब कुछ यार ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग द सेंट्रल जेल के अंदर है फिलहाल। शुभम जी जो है वो जेल को ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग खाना पीना भी खा सकते हैं द सेंट्रल जेल करके। और लाइटिंग का थोड़ा सा इश्यूज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो थीम है भाई वो नाइट का थीम कुछ इस तरीके का है। और इसका मेन्यू वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका यार पूरा मेन्यू है, देख सकते हैं। ये अंकल जी हैं और ये ही यहाँ के ऑनर हैं। तो आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? प्रदीप कुमार किशोर कुमार। प्रदीप कुमार किशोर कुमार, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भागलपुर के अंदर में इस तरीके के थीम पर आपने रेस्टोरेंट डाला, ये मतलब आइडिया आपके दिमाग में कब से आया और कहाँ से आया? मेरा बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको ये सोचा कि मैं कुछ अपना करूँ। तो ये जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपके बड़े बेटे का कॉन्सेप्ट है पूरा इस तरीके से। और इसके बारे में मतलब ये ओपन कब हुआ यहाँ पर? ये 25 मार्च, 25 मार्च को ये ओपन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों तरीके के डिशेस मिलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर डिशेस वगैरह भी टेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई। मतलब थीम जो है पूरा इस तरीके का आता है कि सेंट्रल जेल वाला लुक है, और शुभम जी को जो है वो टॉर्च जला करके पूरा शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है और सोफा वगैरह भी काफ़ी बड़ा है, अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर आराम से बैठ के यार खाना पीना खा सकते हैं। इस तरीके का थीम है, जेल वगैरह बना हुआ यहाँ पर सिंगल बैठने के लिए है। और ये फ्लोर भी है, फ्लोर पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सीनरी है। ऊपर वगैरह भी काफ़ी हाई साउंड में लगा हुआ है और लाइटिंग वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है। तो पूरा इस तरीके का कुछ सिनेरियो है और जेल वगैरह यहाँ पर पूरा बना हुआ है। और यहाँ पर जो है थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी मिलता है और ड्रिंक्स वगैरह का भी है। ये देख सकते हैं काफ़ी सही लग रहा है। टिंकू भाई ईद मुबारक। ये अपने टिंकू भाई क्लासमेट है अपने, चलिए चश्मा पहन के शूट करवा रहे हैं। और ये भाई लोग हैं अपने, काफ़ी सही सा थीम है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं थीम काफ़ी सही है। पहचान रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरीके का पूरा थीम है, आई लव पीसेजी। और देख सकते हैं ये जो है द सेंट्रल जेल का पूरा स्टैचू बना हुआ है। इधर नो एंट्री मोड है और इधर भी है।
पहन लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का थीम वगैरह है, और भैया जी लोग यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं पुलिस की एड पहन के। ये डेस्क वगैरह है, फाइल भी है, फोन भी है, देख सकते हैं फोन भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, बट कर सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। और इधर भी देख सकते हैं फाइल वगैरह है, बहुत सारे केसेस जमे हैं। एक चीज तो कमी है, वो इंटर का भी कमी है। और बाहर देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो यार काफी इंटरेस्टिंग सा माहौल है। और चलिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अंदर में भी है, काफी सही है। और जो ड्रिंक्स वगैरह बन रहा है, तो ये है भैया जी जिनका ये पूरा रेस्टोरेंट है, ठीक है। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? शुभम किशोर। शुभम किशोर जी नाम है इनका। और ये सबसे पहले आप बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया, ये कहाँ से आपको पास आया? जैसे भैया मैं बाहर जॉब करता था, अलग अलग स्टेट में जाना होता था, तो मैं देखता था कि वहाँ पे यूनिक आइडियाज है रेस्टोरेंट में। खाली कुर्सी टेबल लगा के आदमी खाते हैं, इंटरटेनमेंट का कोई अलग अलग सोर्स है वहाँ पे प्रोवाइड है। अपने शहर में मेरे पास कुछ नहीं था, स्मार्ट सिटी है पर स्मार्ट सिटी के नाम से भी कोई कोई ऐसे रेस्टोरेंट होना चाहिए जो स्मार्ट रहेगा। तो मैं ये जेल कॉन्सेप्ट लाया वहाँ से कि आदमी यहाँ पर आके खा भी सके और एक जेल के जैसा फीलिंग भी ले सके, कि मतलब अलग तरीके का थोड़ा वाइब्स आए कि खाने के साथ भी हम जेल में भी हैं। वो सब पूरा उनको यहाँ पर एक मतलब जेल में कभी जो नहीं गए हो या नहीं जा सकते हैं फीलिंग ले सकते हैं। और सच में यहाँ पर जैसे मैं आया तो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा। अच्छा ये जो कंस्ट्रक्शन आपने करवाया है ये यहाँ भागलपुर के ही सारे कुछ है या फिर आपने बाहर से? मतलब मैं ही अपने से, मेरा और मेरा दोस्त है शिवम भारद्वाज जी, हम लोग दोनों मिल के अपने से पूरा डेकोरेट करवाए, मतलब इंटीरियर सब कुछ अपने से खुद से करवाए, मतलब ए टू जेड सारा काम हम लोग अपने से। चलिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन लोगों ने खुद से मेहनत किया है और खुद से ही पूरा कुछ यहाँ पर बिल्डअप किया और काफी सही लगा। चलिए भैया आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इनसे जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत जो है वो ड्रिंक वगैरह सारा कुछ है। भैया जी क्या नाम हुआ आपका? योगेश। यहाँ पे आपके पास ड्रिंक में क्या क्या चीज़ है? इसमें तो मेरा सभी मेरे पास आइटम है, आपको कम से कम 55-60 ड्रिंक है मेरे पास। 55-60 ड्रिंक है यहाँ पे। जो ड्रिंक में वो सबसे फेवरेट या बोल सकते सबसे स्पेशल जो ड्रिंक है वो क्या चीज़ है? ब्लैक डॉग है, वर्जिन मेरी है, मैदे लाइट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक डॉग है वो करके काफ़ी यहाँ पे फेमस है। तो अभी हम लोग जो है खाना खाने के बाद जो है यहाँ पर ड्रिंक को भी ज़रूर टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, काफ़ी मज़ा आया इनसे मिलके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पूरा वाइब्स है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर भी। और देख सकते हैं कैदी लोग सब जेल के अंदर हैं, जिस तरीके से फोटो शूट चल रहा है सारे कैदी लोगों का। तो अब हम लोग चलते हैं भाई उधर, और यहाँ पर जो है कोर्ट का थीम टाइप से कुछ बनाया गया है, लाइटिंग वगैरह यहाँ पर पता नहीं और क्यों है। देखते हैं यहाँ पर पूरा जो है भाई वो न्यायालय का पूरा शॉर्ट्स वगैरह पूरा है इस तरीके से, और जज की कुर्सी है। सर यहाँ पर अभी मतलब एंट्री कोड बात थी, लेकिन भैया जी हम लोगों के लिए एंट्री को ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर आ करके भी देख लेते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। आपकी अदालत लग रहा है, मजाक नहीं सच में। फिलहाल अभी हम लोग आपकी अदालत में और ये हमारी फाइल है। यहाँ पर जज जो है सिग्नेचर करने के बाद निप को तोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों को तोड़ना नहीं है। अब रियल में तो जज बन नहीं सके, लेकिन सबसे पहले से ये तोड़ चुके हैं, ठीक है। और ये है इनका तोड़ा, फिलहाल इसको शुभम जी के ऊपर में ट्राई करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप लोग इसे भी यार पहन के फोटो वगैरह जो है वो क्लिक करवा सकते हैं।
काफ़ी सही सिनेरियो है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक फ़ोटो भी ले लेते हैं, कैमरा देना चाहेंगे भैया जी, एक फ़ोटो आप ले लीजिए, एक फ़ोटो सामने से ले लीजिए। सो गाइस ये है वो जज वाला, जज बैठता है, लेकिन जज को टोपी क्यों दिया है? जज का टोपी नहीं है। चलिए भैया जी, फिलहाल हम लोगों की शूट कर रहे थे, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और हम लोगों को शूट करने में बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर भी हम लोगों के भाई लोग आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए, कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आकर? कौन सा कैसा लगा? एक नंबर। चलिए बहुत बेहतर है। तो ये जो है भाई यहाँ पे मैनेजर है, आपका नाम क्या चीज़ हो गया? सुमन कुमार। सुमन कुमार ने सब कुछ या डांसिंग वगैरह का वो साइड में देखे, एक कोल्ड स्टाइल में बना है उसमें, वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बना है, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं उसमें। बाकी ये जो केबिन है ये भी आप बुक कर सकते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। स्टेज है, यदि आप डांस वांस करना चाहें तो वहाँ पर डांस कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पर बर्थडे के लिए केबिन बुक करना है तो इसका चार्जेस वगैरह जरा बता दीजिएगा। कितना चार्जेस है? 500 rupees पर केबिन है। पर केबिन है, कितनी देर के लिए मिल जाता है ये चार्जेस? इसलिए सर ऐसा कुछ हम लोग टाइम नहीं रखे, ठीक है, टाइम नहीं रखे कितना देर के लिए, बट हम आपको दे रहे हैं तो आप आइए बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है, फिर उसमें खाना पीना खाइए और जाइए। से भी मुलाकात करें, काफ़ी पोलाइट है, मिलकर उनसे बहुत खुशी हुई, ठीक है। अभी हम लोग भी यहाँ पर बस खाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं तो ये यहाँ के शेफ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जितना भी डिशेज होता है वो यही बनाते हैं। भैया आपका नाम क्या चीज़ हो गया सबसे पहले? मेरा नाम चंदू कुमार हो गया। चंदू कुमार हो गया, कहाँ से आप भैया? मैं जैसे होता है बिहार में भी मेरा जैसे मकान है, झारखंड से भी मैं है। तो चलिए ये हम लोगों को जो है आज पूरा किचन का एरिया दिखाएंगे। जैसे होता है कि हमारा लोग का जैसे होता है कि कुछ भी जैसे होता है कि जैसे मैं लोग जैसे कुछ भी अगर बनाने का जैसे होता है हमारे लोग के पास जैसे ऑर्डर वर्डर की चीज़ आते हैं तो पहले कस्टमर को पहले मैं लोग सबसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सर मुझको जो है ना नीनू से आप कुछ हट करके कोई भी रेसिपी आप खिलाएं जो कि वो सबसे आपसे हट करके जो सब लगे जो यहाँ पर स्पेशल हो। जैसे पहले मैं एक रेसिपी आपको खिलवा रहा हूँ पनीर का, पहले आपका, और एक वेज फ्राई राइस जो आपने मतलब बोला, ठीक। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का यार वेज फ्राइड राइस और पनीर चिल्ली जो है भैया जी हम लोगों के लिए रेडी करने वाले हैं, और थोड़ा सा जो है आपको किचन का भी टूर हम लोगों ने दे दिया है। यहाँ पे पूरा काफ़ी अच्छे तरीके से चिमनी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, और हाइजीन्स का भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। थोड़ा जो है लुक जो है थोड़ा इनका मॉडल टाइप से मुझे लगता है, देखने में वो शेफ टाइप नहीं लग रहे थे मुझे। यार फर्स्ट टाइम जेल के अंदर में बैठ के खाना खाया जा रहा है, वो भी द सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट। शुभम जी एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है आपका बताइए? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई, अदर रेस्टोरेंट से अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो फूड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यार कि फूड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, और ये कोई भी यार स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, हम लोग अपने से आए हैं और यहाँ पर फूड की क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, और हमें यार काफ़ी सही लगा। और बाहर आप लोग देख सकते हैं ये जेल का पूरा है भाई, और क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, तो जेल के अंदर में भाई खाने का मज़ा ले रहे हैं, वो भी पनीर चिल्ली और वेज फ्राइड राइस। अगर आप लोग जेल के लिए तो पता होगा क्या क्या मिलता है, कमेंट सेक्शन में बताना यार जेल में क्या खाना मिलता है। यहाँ पर तो अपने को पनीर चिल्ली और वेज फ्राइड राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का जुर्माना आ चुका है, और जुर्माना जो है थैंक यू। तो यार अब हम लोगों का जो है खाना हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पर जो वाइब्स है वो काफ़ी सही आ रही है, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पर, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और भैया जी क्या है यहाँ, भैया जी ने बहुत बेहतरीन खाना बनाया यार, काफ़ी मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इनका स्पेशल ज़रूर ट्राई करेंगे। तो भाई अब हम लोगों के लिए जो है ये जेल खुल गई है, और हम लोग जेल से निकल रहे हैं, ठीक है भैया, बहुत मज़ा आया जी भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीर भैया। वीर भैया, चलिए बहुत बहुत मज़ा आया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर। ओके भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। तो यार अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये पूरा जेल रेस्टोरेंट है, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर।